ये आपको राइट साइड कॉर्नर में रेडियो का नया एप्लीकेशन या फिर ये कहें कि रेडियो का न्यू एप्लीकेशन या फिर ये कहें कि रेडियो का न्यू ऐप शो कर रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड कॉर्नर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेडियो में पहली बार साइन अप या लॉगिन कैसे करें, हाउ टू लॉग इन इन रेडियो फर्स्ट टाइम। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, पूरी जानकारी मिलने वाली है, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप भी रेडियो के प्लेटफॉर्म में अच्छे से साइन अप करके लॉग इन कर लें, क्योंकि ये इजी मेथड नहीं है। हो सकता है आप कुछ गलती कर दो और फ्यूचर में आपका अकाउंट ओपन ही ना हो। तो आपको जो सावधानियां बरतनी है वो भी पता चलेगी और बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो अब राइट साइड कॉर्नर में ये रेडियो का ऐप है, रेडियो न्यू ऐप है, पुराना वाला ऐप ऊपर है। तो रेडियो का नया वाला एप्लीकेशन ये, पुराना वाला ऊपर। तो अब मैं पुराने वाले में नहीं बनाऊंगा वीडियो, नए वीडियोज नए वाले रेडियो ऐप में ही बनाऊंगा, या फिर रेडियो फंटेसी ऐप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ड्रीम इलेवन जैसी टीम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन लोगों की टीम होती है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, और तीन लोगों में एक कैप्टन होता है। इसमें वॉइस कैप्टन का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बिल्कुल नए यूजर हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे यूजर मेरे पुराने यूजर हैं, तो वो लोग रेडियो के एप्लीकेशन में कैसे लॉगिन करेंगे और जो बिल्कुल नए हैं वो कैसे साइन अप करेंगे, तो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और रेडियो ने इस एप्लीकेशन के द्वारा ये भी कर दिया है कि इसमें सब कुछ स्मूथली होने लगा है, और आपको इंटरफेस भी पता चलेगा कि रेडियो का इंटरफेस कैसे कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि अभी तक सभी लोग वेबसाइट में खेलते थे, लेकिन अभी सब लोग कहाँ पर खेलेंगे, रेडियो ऐप में, जैसे आप लोग ड्रीम इलेवन के एप्लीकेशन में टीम बनाते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगी आपको रेडियो से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ। तो चलिए, मैंने ऐप को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब ऐप को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, ऐसा इंटरफेस, ठीक है, जो पहली बार जब आप ओपन करोगे एप्लीकेशन को, ठीक है। तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने का प्रोसीजर ही बता दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में करना है, ठीक है, गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड में क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड की कंडीशन दी हुई है। अब इसमें भी अगर आप कर सकते हो तो ठीक है ये मेथड, और पासवर्ड बना सकते हो तो ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे करना है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ उन यूजर के लिए जो कि पहले से साइन अप कर रखे हैं, तो ऑलरेडी ए यूजर लॉगिन, ये जो लिखा है ना ऑलरेडी ए यूजर लॉगिन, आपको इसमें क्लिक करना है, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि पहले से साइन अप कर रखे हैं वेबसाइट में, तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन में कैसे करना है तो वो मैं बता रहा हूँ, इंटरफेस के बारे में भी समझाऊंगा आज। तो ये है, जब आप ऑलरेडी ए यूजर करोगे तो आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको नहीं याद है तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, ओके। तो फॉरगेट पासवर्ड का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना ईमेल आईडी भूल गया है, पासवर्ड भूल गया है, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लिया है, अब मैं सिंपली क्या कर दूंगा, लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा मेरा रेडियो न्यू ऐप में, और रेडियो का न्यू ऐप मैं यूज कर पाऊंगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरफेस ऐड हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप ओपन करोगे इसे। तो रेडियो ऐप जो है, या फिर ये कहें रेडियो D3 क्लब का न्यू ऐप, आपको कुछ ऐसा शो होगा जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, लॉगिन कर लोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल लिमिटेड एडिशन डिजिटल प्लेयर कार्ड्स, ये सब अपना एडवर्टाइजमेंट शो होगा फर्स्ट टाइम, आपको स्किप कर देना है, ठीक है। अब जब स्किप कर दोगे तो आपको क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे नीचे
पांच इंटरफेस हैं, जैसे कि कम्युनिटी आप पहली बार देख रहे होगी, ठीक है। दूसरे ना, पहला होम, दूसरा बाय, तीसरा डी थ्री गेम। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, वन बाय वन सभी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको बेसिक जानकारी मिल जाए और समझ में आ जाए। अगर आप बिल्कुल पहली बार हो तो भी आपके लिए समझ में आएगा, अगर आपने अभी तक साइनअप नहीं किया है तो। साइनअप वाला वीडियो मैं कल बना दूंगा कि कैसे पहली बार लोग साइनअप करें, ठीक है। तो कल वीडियो देख लेना अगर आप बिल्कुल न्यू है तो। अगर आपको पहले से वेबसाइट में लॉग इन किया था, आपने अकाउंट बना रखा था, तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप नए हैं तो भी आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि मैं इंटरफेस बता रहा हूं तो आपको आसानी होगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे पूरी बात समझ में आए और पूरी जानकारी मिले, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब लोग इसके इंटरफेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए पहला जो ऑप्शन है वो है, इसमें आपको दिखाई दे रहा हो दूसरे नंबर पे, वो है बाई। बाई में क्या कर सकोगे आप, इसमें भी नॉर्मल बाई नहीं है, जब आप पहली बार ओपन करोगे तो ऐसा ऊपर शो होगा पॉपअप, स्किप कर देना है आपको, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल बाई नहीं है, इसमें भी कुछ चेंजेज हुए हैं। अब आपको यहाँ पे प्लेयर कार्ड्स का पैक तो दिख रहा होगा, लेकिन सबसे ऊपर आप देखो यहाँ पे लिखा है पैक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड भी खरीद सकते हैं, सिंगल कार्ड्स रेडियो भी बेचेगा, और तीसरा क्या है, फैन मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस जो अभी तक हम लोग ओपन करते थे। तो आप लोगों को यहीं पर तीनों ऑप्शन अवेलेबल कर दिया है रेडियो ने, यहीं से आप केवल सिंगल टिप में आप ये सब एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, रेडियो ने ऐसा बोला है। और रियली ऐसा ही लग रहा है मुझे, आप लोग जब दो तीन दिन बाद, चार पाँच दिन जब आप यूज करोगे ना, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि मुझे लगभग दो से तीन दिन हो गए हैं यूज करते हुए, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है इसे यूज करने में। तो अगर आप रेडियो का ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, पहली बार अभी तक नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो इनका सेक्शन है D3 प्ले, उसमें मैं आ गया हूं। D3 प्ले में क्या होगा, पहले क्या था इसमें, D3 गेम लिखा हुआ आता था, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, D3 प्ले। इसमें जितने भी मैच आने वाले हैं, अपकमिंग मैच, वो शो होंगे, और यहीं से आप क्या कर पाओगे, इसमें टीम बना पाओगे, ठीक है, टीम बना पाओगे और विन कर पाओगे। तो टीम D3 की टीम यहीं से आपको बनेगी। तो ये हो गई D3 की टीम बनाने वाला ऑप्शन, आपको टीम यहीं पर बनाना है, यहीं पर कॉन्टेस्ट चूज करना है। अब लोग हम लोग चलेंगे अगला जो इनका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, कम्युनिटी। लेकिन यहाँ पे आप देखो, उसके पहले ऊपर जब आप रुपए में कर दोगे तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट रुपए में शो करेगा, जब डॉलर में कर दोगे तो कॉन्टेस्ट डॉलर में प्राइस शो होगी, यहाँ पे देखना। जैसे कि अभी डॉलर में है, अभी अगर कर देंगे रुपए में तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट बदल जाएगा रुपए में, ये देखो रुपए में हो गया। तो ये इसके लिए है ऊपर वाला, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये रुपए डॉलर बस लिखा है, क्यों पैसा नहीं शो हो रहा, तो ये इसके लिए है, आपकी जानकारी के लिए। तो चलिए आप कम्युनिटी में चलते हैं, जो कि अगला ऑप्शन है। तो अब कम्युनिटी में जब आप आओगे, तो कम्युनिटी में रेडियो ने अप्रोक्सीमेट अपने बारे में सब कुछ बता रखा है यहाँ पे, कि रेडियो का कैसे इन्वेंट हुआ, रेडियो के यूजर कौन कौन से हैं, रेडियो के फाउंडर कौन है, रेडियो इंस्टाग्राम में भी है, लिंक्डइन में है, यूट्यूब में भी है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारी रेडियो के बारे में ही दी हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ज्वाइन 18,000 प्लस क्रिकेट फैंस ऑन आवर डिस्कॉर्ड। ये अगर आपको करना है, डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करना है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। डिस्कॉर्ड बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बारे में मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन आने वाले वीडियोज में, जिससे आपको हेल्प हो और आप भी रेडियो अच्छे से यूज कर पाएं, ठीक है। तो अब अगला सेक्शन जो इनका दिखाई दे रहा है, हम लोग अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे, जो है मी। मी मतलब आपका प्रोफाइल,
तो जब पहली बार ओपन करोगे तो ऐसा शो होगा, तो आप इसे क्या कर देना है, स्किप कर देना है, ऐसे स्किप। अब यहाँ पे आपको आपके प्लेयर कार्ड्स दिखेंगे, ठीक है, जितने भी प्लेयर कार्ड्स आपने खरीद रखे हैं। उसके बाद क्या शो होगा, उसके बाद आपको ये देखो कार्ड्स यहाँ पे पैक भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा मोमेंट्स, तो मोमेंट्स फिलहाल अभी अपडेट नहीं है, मोमेंट्स अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन मोमेंट्स में भी विनिंग ये शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मेरे हिसाब से। और पैक्स में आप जब क्लिक करोगे तो आपके आपने जो भी पैक खरीदा है तो यहाँ पे पैक शो हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि आईपीएल शुरू होने वाला है, अगर आप पैसे अपने रेडियो अकाउंट में नहीं अपलोड कर पा रहे हो, नहीं ऐड कर पा रहे हो, तो अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हैं, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो पैक्स वाला पहले ओपन करते हैं। देखो मैंने एक पैक खरीदा था तो अभी शो हो रहा है, तो चलिए इसे ओपन कर देता हूँ आपके सामने ही। तो अब इसे ओपन करेंगे, तो ओपन करूँगा तो ये देखो मेरा मुझे मिल गया है कुशल मेंडिस और दूसरा जमान खान, ठीक है। अब बैक आ जाता हूँ, मैं सिंपली बैक आ जाता हूँ और बैक आके फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पैक वाले सेक्शन में ये है, मोमेंट्स में फिलहाल अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। तो आज का उद्देश्य यही था कि रेडियो न्यू ऐप में पहली बार साइन अप या लॉग कैसे करें। अगर आपको जानना है कि रेडियो कैसे खेले, रेडियो में पहली बार कैसे खेले, रेडियो में टीम क्या कैसे बनाएं, रेडियो क्या है, रेडियो कैसे खेले, तो आप मुझे मेरे चैनल तो आप मेरे चैनल पर वीडियोज देख सकते हैं, आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये रेडियो न्यू ऐप का वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे रेडियो से रिलेटेड या फिर ये कहें रेडियो D3 क्लब से रिलेटेड नई नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।